मेरा ट्राउजर फाड़ दी। पे मैं नहाने वाला हूँ एकदम देसी स्टाइल में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे 1600 किलोमीटर की जर्नी में। एंड अभी सुबह हो चुकी है, मैं रात को यहाँ पे पिंपल गांव में आ चुका था और यहाँ पे मैं न्यू करी गांव ढाबा के सामने जो बाहर है मैंने टेंट लगाया था, आप देख सकते हैं ये मेरा टेंट है। एंड यहीं पे मैं रात को रुका था। एंड यहाँ पे ठंडी काफ़ी है दोस्तों, मैंने अपना टी शर्ट और ऊपर से हुडी पहनी हुई है, उसके बावजूद जो है यहाँ पे ठंडी मुझे लग रही है। एंड अभी सूरज निकला नहीं, धीरे धीरे सूरज भी निकलेगा तो मैं अपना सामान वामान अभी पैक करूँगा, टेंट पैक करूँगा और यहाँ से निकलूँगा आगे की तरफ। ये मेरा ट्राइपॉड भी ऊपर से टूट चुका है तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ पे ही कहीं पे रख के चले जाऊँ या फिर ये ढाबे के बाहर रख के इनको गिफ्ट दे के चले जाऊँ मेरे तरफ से, क्योंकि ये ढाबे के जो ओनर हैं वो भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं अपने ढाबे को प्रमोट करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ ये उनको मैं गिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि उन्हें सिर्फ ये खरीदना पड़ेगा। और फिलहाल इस जर्नी में तो अभी ये ट्राइपॉड मेरे किसी काम का नहीं रहा क्योंकि अभी ये टूट जाने की वजह से मैं कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसके बाद मुझे मोस्ट ऑफ कैरी करना पड़ रहा है इसको, तो मेरा थोड़ा सा वज़न जो है वो कम हो जाएगा, मेरा चीज़ें कम हो जाएंगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहीं पे छोड़ दूँ। एंड अभी हम यहाँ से जो है कि आगे बढ़ेंगे, अभी हम पिंपल गांव में हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे मालेगांव की तरफ एंड फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहले मैं पैक कर लेता हूँ अपनी चीज़ों को, अपने टेंट को पैक कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। पहले तो मुझे ये हाईवे क्रॉस करना पड़ेगा, बकायदा पूरा हाईवे क्रॉस करके उस साइड जाता हूँ पहले एंड उसके बाद जो है आगे की तरफ कंटिन्यू करता हूँ टोल नाके की तरफ। ये तो लॉरी पे पूरा जेसीबी लाद के लेके जा रहे हैं और मैंने कल जो काकड़ी और गाजर लिए थे वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए क्योंकि कल मुझे खाना यहाँ पे ऑफर कर दिया गया था, मतलब ये ढाबे के जो ओनर थे उन्होंने मुझे खाना खिलाया था, उन्होंने बोला था कि मैं उनके यहाँ पे ही खा लूँ, तो मैं वहाँ पे ही खाया थोड़ा सा फ्राइड राइस। एंड मेरा जो काकड़ी और गाजर बचा था वो अभी ही बैग में ही है तो उसका वेट है, बट वो मैं आज दिन के दौरान खा लूँगा, थोड़े टाइम में खा लूँगा। या तो ऐसा है कि नासिक मतलब ये सीज़न नहीं है शायद अंगूर की खेती का, या फिर ऐसा है कि हाईवे के आसपास नहीं होती है खेती अंगूर की, पता नहीं। बट जब भी हम ट्रेन से जाते थे गांव तो पटरियों के दोनों तरफ ही हमें देखने मिलते थे ढेर सारे अंगूर के पेड़ लगे हुए, खेती होती थी, बहुत अच्छा लगता था देखने में। मन तो करता था कि अगर ट्रेन बीच में कहीं रुके तो हम वहीं से उतरें और थोड़े अंगूर खा लें। एंड उसी हिसाब से मैंने सोचा था इस बार यार कि नासिक से जब होके जाऊंगा तो ढेर सारे फ्रेश अंगूर खाऊंगा, बट यहाँ पे वैसा कुछ मिल ही नहीं रहा क्योंकि दूर दूर तक मुझे अंगूर की खेती नहीं दिखाई दी, पूरे नासिक में नहीं दिखाई दी। हो सकता है कि मैं अगर इधर हाईवे के किनारे मतलब हाईवे पे चल रहा हूँ शायद इसके लिए ऐसा हो, या फिर हो सकता है कि ये सीजन ना हो, लेट्स सी। अगर आगे कहीं मिल जाता है तो थोड़े फ्रेश अंगूर तो खाना चाहूंगा यार। गाइज अभी गूगल मैप जो है मुझे यहाँ से जो है कि थोड़ा लेफ्ट होके फिर राइट ऐसा टर्न लेके जाने बोल रहा है, तो उसमें कई किलोमीटर मेरे चले जाएंगे एंड अगर मैं यहाँ से ऐसा कुछ डायरेक्ट जाऊँ तो मेरा काफ़ी टाइम भी बच जाएगा और एनर्जी भी बच जाएगी, लेकिन यहाँ से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता दिखाई दे नहीं रहा है फिलहाल और पता नहीं रास्ते में क्या कैसा रहेगा रास्ता, वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी सोच रहा हूँ मैं खड़े होकर कि क्या करूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए या फिर यहाँ से जाना चाहिए हाईवे से या फिर डायरेक्ट ऐसा जाना चाहिए टाइम और एनर्जी बचाने के लिए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ हाईवे से जाना चाहिए या डायरेक्ट जैसा मैं सोच रहा हूँ जाने वैसा जाना चाहिए, कमेंट में बताइए। गाइस मैंने जो है हाईवे से उतर के साइड में आ चुका हूँ, ये शॉर्टकट वाला रास्ता सोच रहा हूँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड इसमें मेरा काफ़ी टाइम बच जाएगा, काफ़ी एनर्जी बच जाएगी ये, वरना मुझे कई किलोमीटर जो है घूम के जाना पड़ेगा। सो गाइज मैं जो है शॉर्टकट लेके जा रहा हूँ गांव के रास्ते से एंड देखते हैं, काफी टाइम बच जाएगा मेरा, इसमें काफी एनर्जी बच जाएगी तो यही सही है। एंड उसमें यहाँ पे कैसा गांव भी मिलेंगे एंड आराम आराम करने के लिए भी मिलेगा जो कि यहाँ पे हाईवे पे पॉसिबल नहीं होता है। अभी चलते आगे। गाइज यहाँ पिंपल गाँव में आके फाइनली जो है मुझे कुछ अंगूरों की खेती होते हुए दिखाई दे रही है एंड वहाँ पे हो रही है, ये अंगूर के पेड़ लगे हुए हैं सारे, वो भी मतलब उतना तो नहीं जितना हमेशा दिखता है और ये ग्रीन भी नहीं है, सूख गए हैं पता नहीं क्या है। धूप भी हो चुकी है और सुबह सुबह जो ठंडी लग रही थी वो ठंडी भी अभी गर्मी में बदल गई है, तो मुझे अभी ये जैकेट वैकेट जो मेरा हुडी है ये निकालना पड़ेगा एंड फिर मैं अपने टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में ही जो है वॉक करने वाला हूँ।
तो एकदम गर्मी में परेशान हो जाऊंगा, चलना स्पीड और कम हो जाएगी। गाय को थोड़ा सा खिला दिया जाए। मारो मत, मारो मत, मारो मत, ये लो खाओ। वेरी गुड, अभी आपको गाजर देता हूँ। गाजर खाओ, गाजर खाओ। वेरी गुड। अरे मारो, अरे यार ये वाली मारी यार, मेरा ट्राउजर फाड़ दी। ये क्या हो गया? बाकी अभी यहाँ पे मैं शहर से तो पूरा दूर आ चुका हूँ। हाईवे के दोनों तरफ जो है यही दिख रहे हैं मुझे, तो पूरे मैदान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और मुझे थोड़े से अंगूर की खेती और दिखाई दी यहाँ पे। पहले वाले जो मैंने देखे थे वो थोड़े सूखे सूखे लग रहे थे, पता नहीं, बट आगे जब मैं बढ़ते जा रहा था तो मुझे कई सारे दिखाई दिए। अंगूर की खेती फाइनली यहाँ पे हो रही है। ये यहाँ का नज़ारा है, दोनों ही तरफ जो है दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, पूरा मैदान है। अभी मैं इसी रास्ते जो है आगे बढ़ने वाला हूँ। आगे का रास्ता जो है सीधा। मैं सोचा 2 मिनट यहाँ पे रुक के, थोड़ा यहाँ पे हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो हवा खाते हुए फिर आगे। रास्ता काफ़ी ऐसा ऊपर जा रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। दादा कैसे दिले अनार? कैसे भाव? 60 रुपये किलो। कौन से वाले? ये वाले, ये वाले। तो इसमें से दो ना, मीठे है, मीठे है, आधा किलो दे दो ना। साठ रुपए किलो बिक रहे मुंबई में, पता नहीं क्या भाव, काफी महंगा मिलता है। बस ये काट के दे रहे हैं, वो एकदम लाल लाल। अनार काफी लाल लाल है और काफी मीठे भी है। ये दादा से लिया है मैंने। लाइव नहीं है, मतलब मैं यूट्यूब ब्लॉगर हूँ ना, व्लॉगिंग करता हूँ। मैं मुंबई से जा रहा हूँ उधर यूपी, चल गए मुंबई से यूपी। 4 दिन हो गए आज। कितना दिन है? 12 तारीख तक पहुंचूंगा, दिवाली तक। दादा अच्छे वाले देना, पूरे रास्ते में यही खाते हुए जाना है। चाकू तो है मेरे पास, मैं काट लूंगा। सही है, थोड़ा ब्लड के लिए भी अच्छा होता है अनार तो। आधा किलो से ज्यादा दे दिया है तुमको। थैंक यू। सब ऐसे मीठे ही रहेंगे ना? सब मीठा रहेंगे, एनर्जी मिलेगी। वही सोच के लिया तो। नहीं नहीं, चाकू है मेरे पास तो, मैंने अभी ले लिया है, आधा किलो लिया है। दादा बोल रहे कि आधा किलो से ज़्यादा ही है, तो देखते हैं कैसा है। मैं यहाँ पे चलते चलते एक ढाबे के पास पहुँचा हूँ, एंड अभी यहाँ पे मैं नहाने वाला हूँ एकदम देसी स्टाइल में। ढाबे के जो ओनर है उन्होंने मुझे बोला कि मैं मतलब यहाँ पे नहा सकता हूँ आराम से। मैंने अपना सामान ले लिया है और मैं आज बहुत टाइम बाद ऐसे खुले में नहाने जा रहा हूँ। मतलब मज़ा तो बहुत आने वाला है, क्योंकि बचपन में जब गाँव जाता था तभी ऐसे नहाता था। तो अभी यहाँ पे ही जो है मैं अपने नहा लूंगा और थोड़े बहुत कपड़े सुखा के, जो गीले कपड़े होंगे उनको थोड़ी देर यहाँ पे डाल दूंगा रस्सी पे, फटाफट सूख जाएंगे। जितनी धूप है उसके हिसाब से तो एकदम जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। तो मैं चलता हूँ, पहले नहाता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं नहा चुका हूँ यार, बहुत टाइम बाद मैं ऐसे इतने खुले में नहा रहा हूँ। पानी काफ़ी ठंडा था लेकिन मज़ा आ गया नहा के। अभी एकदम हल्का हल्का फील हो रहा है, अभी मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा ठंडा था पानी, इतना मतलब पूरा पूरी तरह से धूप है उसके बावजूद जो है पानी काफी ठंडा था। सो गाइज मैं यहाँ पे पेड़ के नीचे अभी थोड़ा आराम कर रहा था, तो ये बच्चे आए मेरे पास और इन्होंने पूछा मुझसे कि मैं क्या करता हूँ, मतलब क्या है मेरे हाथ में ये कैमरा, सेल्फी स्टिक वगैरह, तो मेरे बारे में पूछा इन लोगों ने। तो मैंने इनको बताया कि मैं जो है ट्रेवल कर रहा हूँ 1600 किलोमीटर का, मुंबई से लेके यूपी तक। तो इन्होंने मुझसे मेरा आईडी पूछा कि मैं कौन, मेरे चैनल का नाम क्या है। और ना सिर्फ नाम, चैनल का नाम पूछा बल्कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, एंड साथ में ये भी बोल रहे कि ये शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो ये मुझे मतलब जब भी ऐसे लोग मिलते हैं यार जो सामने से बोलते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस मैं चांदवड़ क्रॉस कर चुका हूँ। चांदवड़ में मुझे वहाँ पे घाट चढ़ते टाइम लिफ्ट मिल चुकी थी, तो चांदवड़ बहुत ही आसानी से क्रॉस हो गया। एंड अब मैं मालेगांव में एंटर कर चुका हूँ, एंड यहाँ पे काफ़ी देर चलने के बाद जो है मैं थोड़ा आराम करने के लिए रुक गया था ये पेड़ की छांव में। यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं और छांव है यहाँ पे, एंड बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब इतनी धूप होने के बाद भी
इतना धूप में चलने के बाद जब ये ठंडी हवा लग रही है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अभी जो है यार कंधे जो हैं वो थोड़े दर्द से देने लग गए थे, इतना चलने के बावजूद पैर उतने दर्द नहीं दे रहे हैं, बट जो शोल्डर हैं बैग होने की वजह से, बैग का इतना वेट, इतना इतनी देर तक कंटिन्यू बैग कंधे पे होने की वजह से वो कंधे जो है कोने कोने में सूजने लग जा रहे हैं, जहाँ पे बेल्ट आता है, पट्टा आता है बैग का, तो वो सूजने से लग जाते हैं। एंड रात को उतने रात को जब सोता हूँ तब थोड़ा सा रहता है दर्द, और रात को वही पैर का दर्द भी जो होता है वो रात को सोते टाइम हल्का हल्का पता चलता है कि पैरों में कुछ दर्द सा महसूस हो रहा है। सुबह सुबह जब मैं बैग लेके निकलता हूँ तो बैग एकदम हल्का सा फील होता है, बट आधा एक घंटा चलने के बाद वो धीरे धीरे उसका जो वेट है वो पता चलने लगता है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, सूज जाते हैं कंधे, बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं, लेके निकल चुके हैं। हाँ, मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो कम करते जाऊँ, एंड मैं वैसा कर भी रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं निकाल दे रहा हूँ।